गुड इवनिंग बच्चों, हमने लास्ट क्लास में दृष्टि दोषों के बारे में बात की थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे बोर्ड्स का और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीन दोषों की हम बात कर चुके थे, एक बार हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसे इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया, ठीक है, मायोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने देखा था उल्टा होता है, क्या उल्टा होता है कि दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी यदि हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते तो हमें कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए हमने क्या किया, आपको ये याद भी करना होगा कि इसमें कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस। पिछली क्लास में मैंने डायग्राम से समझाया था, वो समझना हो तो आप पहले पिछली क्लास को देखिए। दूसरा दोष हमने देखा था दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, कौन सा दोष, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, मेट्रोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। ये सब हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, केवल मैं आपको ये रिवीजन करा रहा हूँ। और इसके निवारण के लिए हमें किस तरह का ऐनक यूज़ करना होगा, वो होगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस यूज़ में लेंगे, उत्तल लेंस। याद रखने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ, देखो ट्रिक। दूर, दूर में क्या आ रहा है, ऊ। उत्तल, उत्तल में क्या आ रहा है, ऊ। यानी दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। दू से ऊ और उत्तल से ऊ, तो ऊ क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष का उत्तल लेंस यूज में आएगा। ओ निकट, देखो मात्रा छोटी लग रही है, निकट और अवतल दोनों में मात्रा ऐसी है कि हम उस मात्रा को नीचे लेकर जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण, या इससे उल्टा ही याद रख लो कि दूर का उत्तल तो निकट दृष्टि दोष का कौन सा, अवतल। और तीसरा दृष्टि दोष हमने देखा था जरा दृष्टि दोष, कौन सा दोष, ये वृद्धावस्था में होने वाला दोष है जिसमें दूर प्लस निकट दोनों ही स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ये वृद्धावस्था में जनरली होता है, और इसका जो निवारण है वो कौन सा लेंस है, द्विफोकसी लेंस। द्विफोकस लेंस, द्विफोकसी का मतलब क्या है, उत्तल भी और अवतल भी, तो उससे दो जगह हम फोकस को सही कर पाएंगे, दूर के लिए भी और निकट के लिए भी। तो ये तीन हमने दोषों की बात पिछली क्लास में कर चुके थे। चौथा दोष अब जो आएगा वो एकदम नया दोष है, उसके बारे में आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, तो चलो उसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि चौथा दोष और एक पांचवा दोष हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है। तो चौथा दोष यानी डी दोष कौन सा होगा, दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य, याद रखिएगा, ये किसी भी कॉम्पिटिशन, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छे लेवल के एग्जाम में तो ये पूछ सकता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है मैं क्या बता रहा हूँ। देखो ये दोष आँख में क्यों होता है, इसका पहले मैं कारण बताता हूँ। नेत्र में ये क्यों, ये रोग क्यों हो जाता है, हमारा जो नेत्र है बच्चे, उसकी जब हम अभी संरचना पढ़ेंगे तो आगे का हिस्सा कहलाता है कॉर्निया। क्या कहलाता है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। कॉर्निया जो होता है, यदि इसमें अनियमितता आ जाए, यानी हमारा कॉर्निया यदि खराब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तब हमें ये दोष हो सकता है। यानी इसका कारण क्या है, नेत्र के कॉर्निया भाग में अनियमितता, यदि नेत्र के कॉर्निया भाग में अनियमितता आ जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, दृष्टि वैषम्य में। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इस मरीज को ये वाला रोग है, किसी जिस मरीज को ये रोग हो जाता है वो उसके सामने आप कुछ खड़ी रेखाएं बना दो और कुछ आड़ी रेखाएं बना दो, तो वह व्यक्ति इन खड़ी और आड़ी रेखाओं को स्पष्ट देखने में असफल रहता है, यानी यह व्यक्ति
आड़ी और खड़ी रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, यही इसमें क्या होती है, समस्या होती है। यानी आप क्या लिखोगे, इस रोग से या इस दोष से पीड़ित व्यक्ति आड़ी व खड़ी लाइनों को विभेदित नहीं कर सकता, मतलब उसे समझ नहीं सकता, उसको बांट नहीं सकता। आप ऐसे भी कह सकते हो, और आप यूँ कह सकते हो कि लाइनों को स्पष्ट नहीं देख पाता, ठीक है। तो यह रोग क्या कहलाता है दृष्टि विषम में। अब उसको कैसा दिखेगा, कुछ रेखा ऐसे दिखेगी, कुछ रेखा ऐसे दिखेगी, यानी कुछ ना कुछ इसमें उसको प्रॉब्लम नज़र आएगी, और आड़ी और खड़ी रेखाओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाएगा। तो इसका अब इसका निवारण की बात करो, इसका इलाज क्या है। तो आपको सीधे याद रखना है, एक लेंस आता है बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल साइज का एक शेप का एक लेंस आता है, वो इसका क्या है, उपाय है। अब आपको ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूँ अपने अंतिम और इम्पोर्टेंट दोष की, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा है, आपको आपने देखा होगा वृद्धावस्था में एक बीमारी हो जाती है, वो कौन सी है, मोतियाबिंद। वो कौन सी है, मोतियाबिंद। तो चलो ये मोतियाबिंद क्या है और क्या प्रॉब्लम होती है वो हम देखते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे जो नेत्र है उसके अंदर हमारा नेत्र लेंस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेत्र लेंस यानी हमारा अभिनेत्र लेंस, जो कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। पूरी उम्र भर हम इसको उपयोग में लेते हैं। इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, एक तो इसका लचीलापन, क्या चीज़ बच्चे, ये लचीला होना चाहिए ताकि मैं दूर की और पास की वस्तु को देख सकूं। प्लस इसमें दूसरी चीज़ होनी चाहिए पारदर्शिता, आर पार दिखना चाहिए ना, लेंस है तो आर पार दिखना चाहिए। आर पार दिखेगा तभी तो क्या होगा, अपवर्तन होगा, और रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जब हमें वस्तु क्या होगी दिखाई देगी। तो ये दोनों गुण हमारी आँख में पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, बढ़ती आयु के साथ एक समस्या हो जाती है। बढ़ती आयु के साथ आप ये समस्या बच्चों में नहीं देखोगे, जवानों में आप ये समस्या नहीं देखोगे। ये समस्या अधेड़ उम्र यानी 50 साल के लगभग बाद ही शुरू होती है, और अब बुढ़ापे में तो अक्सर पाई जाती है। बढ़ती आयु के साथ वृद्धावस्था में जो हमारा नेत्र लेंस है, जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, उसके क्या होता है, लचीलेपन में कमी आ जाती है। लचीलेपन में आ जाती है क्या, कमी। लचीलेपन में क्या हो जाती है बच्चे, कमी हो जाती है। तथा दूसरी चीज पारदर्शिता में भी क्या आ जाती है, कमी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो इससे क्या समस्या होगी, आँख की जो हमारा लेंस है उसकी पारदर्शिता में क्या आ गई, कमी। अब बताओ किसी लेंस में हमें पारदर्शिता नहीं होगी तो आप रेटिना तक उसका प्रतिबिंब कैसे भेजोगे। और आप जानते हो, आपने क्या पढ़ा है, दर्पण पढ़ा है। दर्पण क्या होता है, पारदर्शी नहीं होता, तो किरण जो है वो जाके वापस लौट जाती है, यानी इसमें क्या हो जाता है, परावर्तन। तो यदि नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाएगा और आर पार हमें दिखेगा नहीं, तो ये जो किरणें आएंगी वो गलती से क्या होने लग जाएंगी, परावर्तित होने लग जाएंगी। तो समस्या क्या पैदा होती है, समस्या क्या पैदा होती है, गलती से अपवर्तन की जगह जो हमारा क्या नेत्र में क्या होना चाहिए, अपवर्तन की जगह क्या होने लग जाता है, परावर्तन होने लग जाता है। तथा वस्तुएं कैसी दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। वस्तुएं कैसी दिखाई देती है, धुंधली। तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, मोतियाबिंद रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मोतियाबिंद रोग हो जाता है बच्चे। तो बात समझ में आ गई, एक बार और समझ लो, नेत्र लेंस की लचीलेपन और पारदर्शिता में क्या आ जाती है, कमी। क्या आ जाती है, कमी। इससे जो प्रकाश किरणों का क्या होने लग जाता है, परावर्तन। इससे वस्तुएं कैसी नज़र आती हैं, धुंधली नज़र आती हैं। यह समस्या क्या कहलाती है, यह समस्या हमारी कहलाती है मोतियाबिंद। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या है बच्चे, तो इलाज पर आप बात करो, ठीक। तो इसका जो निवारण है, इसका निवारण क्या है, याद रखिएगा, इसका निवारण एक ऑपरेशन होता है आजकल, और नेत्र लेंस को ही चेंज कर दिया जाता है, और अंदर के देखो नेत्र लेंस को ही बदला जाता है और नया लेंस लगाया जाता है।
इंट्रा ओक्यूलर लेंस, नया लेंस लगता है जिसे क्या कहा जाता है, इंट्रा ओक्यूलर लेंस, IOL आप कह सकते हो शॉर्ट में, इंट्रा ओक्यूलर लेंस लगता है। तो यह थे हमारे नेत्र दोष। अब बात हम आगे करेंगे, ये हमारे थे दोष। चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है वो हमारे नेत्री संरचना है, जो क्वेश्चन आता है चित्र भी उसका आता है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इस चैप्टर का टेस्ट होगा, आप इसको पूरा वर्क करके आप इसको एक बार तैयार कर लीजिए और टेस्ट की डेट आपको ग्रुप में बता दी जाएगी और लास्ट टॉपिक आपका कल या परसों डाल दिया जाएगा और चैप्टर ख़त्म करके नया टॉपिक शुरू किया जाएगा। थैंक यू।